दक्षिण कोलकाता से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी नेता पर हमले का दावा किया गया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस हमले का आरोप लगा है। बीजेपी नेता सरस्वती सरकार पर यह हमला किया गया है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया है। बीजेपी की मंडल अध्यक्ष है सरस्वती सरकार। बीती रात यह हमला किया गया है, बीजेपी की तरफ से सामने आ रहा है। ये तमाम वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें अपने माथे को पकड़कर वो बैठी हुई हैं, खून से लथपथ नजर भी आ रही हैं और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी की मंडल अध्यक्ष हैं सरस्वती सरकार। बीजेपी की महिला नेता पर हमले का आरोप है टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। बीजेपी ये कह रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ये हमला किया है। एक बार फिर ममता सरकार को घेरा है बीजेपी ने और फिर से यही कि टीएमसी के जो गुंडे हैं वो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ही बीजेपी की महिला नेता पर ये हमले का आरोप लग रहा है। देखिए, लोकसभा चुनावों के पहले जो गहमा गहमी है पश्चिम बंगाल के अंदर वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब चुनावों के पहले लगातार जो तस्वीरें हैं वो पश्चिम बंगाल से कुछ ऐसी सामने आ रही। दक्षिण कोलकाता से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जब बीजेपी नेता पर हमला किया गया है। ये बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप बीजेपी लगा रही है। बीजेपी नेता सरस्वती सरकार, जिनकी तस्वीरें भी आप देख रहे थे, उन पर हमला किया गया है टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है। सरस्वती सरकार जो है वो बीजेपी की मंडल अध्यक्ष हैं। बीती रात ये हमला किया गया है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है।